हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साल व्लॉग्स। तो सुबह का टाइम हो रहा अभी 9 और मेरी सुबह हुई है कुछ इस तरह से। सुबह सुबह आज पट्टे उतार रहा हूँ पहले पेड़ से अपने। ये देखो कितना फ्रेश फ्रेश एंड फ्रेश सब्जी है यहाँ पे, और पहले पट्टे मैं उतार लेता हूँ। तो यार मैंने सारे पट्टे वगैरह उतार लिए, देख सकते हो कितने हुए, इतने लगभग 1.5 kg के पास है। तो आप जा रहे हैं हम इमेल अंकल के दाने छोड़ने के लिए। बड़ी लगती है आगे काका भी चला रहे हैं, अगर मैं चलाता तो लाग नहीं बनता मैंने इसलिए। तो अभी देखो आगे क्या मिलता है। तो यार गाइज आप देख सकते हो अभी मैं पानी डाल रहा हूँ गोभी और कड़म में, जो जम्मू जाने से पहले लगा के गया था। कितनी छोटी छोटी थी, आप देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और अभी इनमें पानी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि काफ़ी जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए और खाने लायक हो जाए। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर व्लॉग। तो आज यार सुबह सुबह बाइक का तेल हो गया ख़त्म और जा रहा हूँ पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल डलवाने के बाद जाना नितिन भाई के पास। इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किए थे, याद ही नहीं था, क्योंकि दो पार्सल आए मेरे, वो भी अभी लेने। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अभी घर और मेरे से जरा भी सब्र नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो सच बताऊँ एक बात, मुझे बिल्कुल याद ही भी नहीं है कुछ भी के क्या ऑर्डर वगैरह किया था, क्या बोला मंगवाया था। तो अभी बिना देरी किए हुए खोल देते। जैसे दिन को आपको पता था मेरा पार्सल वगैरह आया था, उसके ओपनिंग वगैरह की थी, मुझे याद ही भूल गया था मैंने क्या क्या मंगाया। तो अभी उसके बाद तो अब मैं और नीतीश अंडे टूटे टूटे ऐसे इलाके वीरान इलाके में पहुंच गए कि बता ही नहीं सकता, कुछ भी कह ही नहीं सकता। मैं आपको एक बार पूरा आके पीछे का व्यू देता हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है इस इलाके में, चीड़ के पाइन के पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पे। और फाइनली अंडे भी मिल गए, कम से कम 10 किलोमीटर जितना अंदर पर चढ़ा है, इलाके का नाम नहीं पता मेरे को। जल्दी ला यार। गाइस अभी शाम के टाइम पे हो रही थी साफ सफाई और पीछे देख सकते हो आग जलाई हुई है, जलाई नहीं मतलब गंद जलाया हुआ हमने और साफ सफाई कर रहे हैं। चारी गंद इकट्ठा कर करके ला रहे हैं। देख सकते हो इस ऋतिक को कितना जलने की शौक है, अब मैं इसको उठा के खुद ही फेंक देता हूं।
जैसे सर्दी के मौसम के चलते हुए समय हमें सूचना मिली है कि हमारे मुर्गों को भी रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जिसके कारण हमें अभी उन्हें बिस्तरा पहुंचाना पड़ेगा। और हम अभी जा रहे हैं सीधा उनके पास बिस्तरा। पहुंच गए मुर्गों के घर के पास, रजाई वगैरह भी उनकी आ गई है, और यहाँ पे छत पे डालने के लिए चादर वगैरह भी आ गई है टीन। और अभी मुर्गों की डिमांड थी उनके लिए ग्राउंड बनाया जाए, वो भी बना दिया। के लिए स्विमिंग पूल और पार्क दोनों ही बना दिए हमने, और अब इंजॉय करेंगे सिर्फ ये। तो गाइस अब हो गए मेरे सोने का टाइम, तो व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। कुछ खास दिन गया नहीं आज का और कल का, कल का और आज का व्लॉग दोनों इकट्ठा एक ही व्लॉग डालूंगा बना के यूट्यूब पे, और बस अब एडिटिंग करने लगा इस व्लॉग की, और फिर कल सुबह इसको डाल दूंगा।